नमस्कार, मैं हूँ सानिराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। नीतीश कुमार जब से इधर से उधर पलटना शुरू किया है, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, और ऐसे में जब से वो एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं तब से सियासी उठापटक शुरू हो गया है। ऐसे में बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से बयानबाजी दी जाती है तो कभी आरजेडी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जाती है, और ऐसे में अब जब से फ्लो टेस्ट हुआ है, तेजस्वी यादव जो हैं वो लग रहा है जैसे कि उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का चाचा भतीजे वाला रिश्ता है। फ्लो टेस्ट के वक्त भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पैर छूते हुए दिखाई दिए, उसके बाद वो अंदर गए तो उन्हें दशरथ समान कहते हुए दिखाई दिए। उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे थे और उनको तंज भी कस रहे थे। उसी तरह से उनकी जो बयानबाजी था, एक तरीके से जो भाषण था, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। उनके भाषण की सभी लोग तारीफ कर रहे थे, सराहा जा रहा था उनके भाषण को, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ उनको तंज कसा था। और साथ ही में आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का एक छोटा सा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ रहता है, वो जब आना चाहे आ सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी एक भाषण के दौरान ये कहते हुए नजर आए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुर्बानी देनी पड़े हम दे देंगे, लेकिन नीतीश के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यानी नीतीश कुमार उनके चाचा के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए जरा हम वो बाइट सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे, वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य क्यों लेकर के, नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है। चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेंगे, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और 2024 के आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि उस वक्त हम लोग बीजेपी को और मोदी को बिहार से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेंगे। वहीं नीतीश कुमार के चहेते नीरज कुमार का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि दरवाजा खुला नहीं है, चाहे बंद नहीं है, हमने उस पर ताला मार दिया है और उसमें हम नहीं जाएंगे। तो चलिए जरा ये भी सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति में दरवाजा खुलने की बात कहते हैं, आपका तो स्थायी रूप से शटर गिरा दिया गया, चूंकि आप राजनीति को कमाने का माध्यम बनाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा कि 2 बार मौका दिया, लेकिन केवल धन उगाही ही राजनीति का आपका उद्देश्य है। ऐसे लोग जो संपत्ति सृजन करते हैं, जो धन उगाही करते हैं, वैसे लोगों का सत्ता से बाहर रखना हमारी राजनीति की नियति है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो दरवाजा आपका बंद कर दिया, इसमें अलीगढ़ का ताला लग गया है। एहल लागी राहुर माया।